प्रोफेसर राव साहब, डायरेक्टर इकबाल अकादमी, डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार शंकीती साहब, उस्मान अब्दुल नासिर साहब, डॉक्टर मजर मोइन साहब, और हमारे कुवैत से हमारे आने वाले दोस्त और मौजूद सामईन, जिस तफसील के साथ शंकीती साहब ने अरबी ज़ुबान में अल्लामा इकबाल की तख्लीकात के तराजुम का ज़िक्र किया है, वो बहुत ही मालूमात अफरोज, और हकीकतन हम लोग नहीं जानते थे कि इतने तराजुम वहाँ अरबी ज़ुबान में हो चुके हैं, क्योंकि अगर इकबाल अकादमी का भी वेबसाइट देखा जाए तो उसमें पुराने बहुत से लोग हैं जिनके तराजुम जो हैं अरबी में अल्लामा साहब के, वो मौजूद हैं। लेकिन ये जो बिल्कुल नए लोग हैं जिनकी तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए कि उन्होंने भी काम किया है, और हर नया काम जो है वो नए ज़माने की ज़ुबान में होता है। यानी ऐसा नहीं है कि अगर एक काम जो है मसलन दक्कनी दौर में हुआ हो तो वो दक्कनी उर्दू जो थी उसमें हुआ, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उर्दू ने तरक्की की और आज जो है उर्दू जो है बिल्कुल मॉडर्न ज़ुबानों में शामिल हो गई है, और आज जो तर्जमा आप करेंगे वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। तो ये तो फिनोमिनोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन की बात है। फिनोमिनोलॉजी ऑफ ट्रांसलेशन के सिलसिले में कुछ इन्होंने बातें की हैं, इनमें एक बात जो है वो ये है कि हमें तर्जमे में थोड़ी बहुत तरमीम भी कर लेनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये जो मॉडर्न थेरीज आई हैं, स्ट्रक्चरलिज्म आई है या ये मॉडर्निज्म है और पोस्ट मॉडर्निज्म है, डिकंस्ट्रक्शन की थ्योरी है, इसमें एक ख़राबी यह है कि ये आपके मतन को अपने हवाले से तब्दील कर देते हैं। ये जो नए तर्जुमा के स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनमें कारी असास तनकीद की बात हुई है, होती है कि कारी कैसे समझता है किसी बात को, और वो असल मतन जो है वो क्या है, इसमें बड़ा फर्क हो जाता है। चहार मकाला में निज़ामी अरूजी ने एक जगह एक शख्स की बात की है जो एक शायर के पास आए, तो उन्होंने कहा कि आपकी शायरी का ये मतलब, इस शेर का ये मतलब मैंने समझा है, तो शायर ने कहा बखुदा ये मतलब मेरे जहन में नहीं था। अब ये जो कारी असास तनकीद आ गई है इसकी सबसे बड़ी खराबी ही ये है कि अब आप अगर अल्लामा साहब का मतन है उसमें थोड़ी बहुत तरमीम कर देंगे तो वो मतन जो वो कहना चाहा था अल्लामा साहब ने अपने ज़माने में वो बात सामने नहीं आएगी। और ये समझता हूँ कि तर्जुमे अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, होने चाहिए, और हमारा शायर है, हिंदुस्तान के शायर हैं, पाकिस्तान के शायर हैं, लामा साहब हमारे कौमी शायर हैं जो हिंदुस्तान में फौत हो गए थे। हमारी बदकिस्मती ये है कि वो 1938 में हिंदुस्तान में फौत हो गए थे, तो वो बलादे हिंद के शायर हैं जिन्हें हमने अपना लिया अपनी कुछ अगराज की बुनियाद पर, कि हमें उनसे कुछ मकसद है कि उन्होंने हमारे मुल्क का ख्वाब देखा। तो ये हमारे मुल्क का जो ख्वाब देखा था, आपके सामने ये जो नक्शा है मुल्क का, क्या अल्लामा साहब ने ये ख्वाब देखा था? हर साल आपके अल्लामा साहब पे तकरीरें करते, उनके इवन साहबजादे भी तकरीरें करते रहे, कभी उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल जो बात करते थे मुसावात मोहम्मदी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके क्या मानी है?
वो जो बात करते थे कि सबको उनके हक मिलने चाहिए, उसके क्या मानी है, वो जो ये बात करते थे कि मजलिस शूरा होती है, वो उसके क्या मानी थे मजलिस शूरा के, वो जो खिलाफत का निज़ाम था वो क्या था, अतातुर्क पर उनका क्या क्या उनके जो एतराज़ात थे, ये कभी अब, क्योंकि हमने वो जो अंग्रेज़ी जमहूरियत है उसे हमने अपना कर उसके ज़रिए से हमने एक्सप्लॉयटेशन किए। और एक्सप्लॉयटेशन जो है, इलामा साहब ने किसी एक जगह पे एक्सप्लॉयटेशन के लिए रास्ता नहीं खोला, चाहे वो मुआशी हवाला हो, चाहे वो सियासी हवाला हो, चाहे वो हवाला आपका बशरियाती हवाला हो, किसी जगह पे उन्होंने ऐसा कोई तसव्वुर नहीं दिया कि जिसमें हैवानियत को फ़रोग दिया गया, हैवानियत की बात की गई। इस वक्त वैसे सारे का सारा जो है डार्विनियन थ्योरी के तहत हैवानियत की तरफ आया, उस हैवानियत को इलामा साहब ने जब सारे खुद ही लिखी है तो वो शेरों में उन्होंने बयान किया, तो उसका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ कि दी शेख ब चराग हमी गश्त गिरद शहर कि अज देवदत्त मलूलम व इंसान मारफूस, कि कल रात शेख चराग लेकर शहर में घूम रहा था और कह रहा था कि मुझे वहशी जानवरों से ख़तरा है, उनसे मैं मलूल हूँ, मुझे इंसान की आस। ये वहशी जानवर कौन है, भेड़िया कौन है, इंसान के अंदर भेड़िया है, इंसान के अंदर चीता है, इंसान के अंदर सांप है, इंसान के अंदर तरह तरह के जो जंगली जानवर हैं मौजूद हैं, ये तो जंगल की बात है, ये डार्विनियन थ्योरी। मौलाना रूम ने ये कहा है कि इंसान की आरज़ू, तो वो इंसान की आरज़ू पर मबनी है सारी शायरी, और ये इंसान ही की आरज़ू है कि जिसकी तरफ अरब दुनिया नहीं आएगी, ये फलस्तीनियों का खून बहता हुआ देखेगी लेकिन नहीं रोकेगी उन्हें। आपके सामने है अरबी लोग हैं, कौन से मफादात हैं जो उन्हें मना किए हुए हैं, उनके अंदर वो दरिंदगियां हैं, उनके अंदर खुद दरिंदगियां हैं, उन्होंने खुद ऐसे निज़ाम कायम कर रखे हैं वहां पर कि जो निज़ाम इंसानी निज़ाम नहीं है, वो निज़ाम कुरान पाक की रोशनी में नहीं बने हुए। लामा साहब ने जो निज़ाम की बात की है जिसकी, वो ये चीज कुरान खाजा रहा पैगाम मर्ग, कुरान पाक की बात की है कि क्या है कि ये आका के लिए मौत का पैगाम है, और हम गुलाम होने पे फख्र करते, दस्तगीरे बंदाए बेसाजो बर्क। कुरान पाक तो उस आदमी का हाथ पकड़ता है जो बेसरो सामान है। अब आप मुझे बता दें, 99% लोग भूखे मरें, बेरोजगार हों, मसाइल का शिकार हों, आप इलामा इकबाल के दर्श दें यहां पर, जब तक आप निज़ाम नहीं बदलेंगे आप इलामा साहब की रूह भी खुश नहीं होगी।